खबरों की शुरुआत करते हैं मोरबी से। मोरबी पुलिस ने पुल का रख रखाव करने वाली कंपनी के 9 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा है। और इन 9 आरोपियों को पकड़ने के लिए गुजरात ATS, राज्य खुफिया विभाग और मोरबी पुलिस की जगह जगह छापेमारी हो रही है, जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया। न्यूज 18 के जनक दवे की ये खबर आप देखिएगा। तो हिरासत में कंपनी के 9 लोगों को लिया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर SIT टीम का गठन कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मोरबी हादसे की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें केवल पुल टूटने से पहले की है। देखिए कैसे मोरबी में पुल ये गिरा, और पुल जब टूटा उस वक्त भारी तादाद में लोग भी वहां पर खड़े थे। पहले पुल हिलने लगा, उसके बाद अचानक से पुल टूट गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहीं हादसे वाली जगह पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे। तो मोरबी हादसे का ये पहला वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर सामने आया। आप देखिए किस तरह से पुल गिर गया और उसके बाद दर्दनाक, खौफनाक हादसा। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे चंद सेकंड पहले का ये वीडियो है। लोग जो है इस झूले का आनंद लेते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही ये 3 तस्वीर आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि गुंजाइश ना के बराबर है कि कोई जिंदगी यहां पर बची होगी, लेकिन चमत्कार का अभी भी लोगों को इंतजार है। इसके साथ ही जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है रात से ही मौजूद हैं। तो हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं वहां के CM भूपेंद्र पटेल, और ऐसे में वहां जायजा वो लेंगे। हालांकि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और